ਵੱਲੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਤ ਕਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਰ ਜਮਿਲ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖidmat ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਾਸਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਨੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਚ ਸਾਹ ਨੇ लेकिन अज एक अच्छी खबर है मेरे को और आई एम आर एफ यानी इम्पलीमेंटे माइनोरिटी राइट्स जो फोरम है और उन नेबरस जिड़ी कोई यू एस ए बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और आई एम आर एफ यानी इम्पलीमेंटे मायनोरिटी राइट्स फोरम और ऑल नेबर जी एक यू से बेस्ड जी ऑर्गनाइजेशन है सैमुल पेरा साहब और रियास साहब ने मिलकर तो सरकारी कुछ इदार मिल के एक बहुत खूबसूरत बैठक जी है सजाई है इस बैठक का जोड़ा सरनामा है वो है रोशन पाकिस्तान रोशन पाकिस्तान यानी एक पाकिस्तान दवा रोशन है जड़िया ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਇਮੇਜ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਫਾ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਲਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸੈਮੂਲ ਪੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਬੀ ਮੁਸਲਮ ਰਹਿਨਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ادارے ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ادارے ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਲੇਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ तु देखोगे इस प्रोग्राम यी कवरेज अभी की है देखोगे हूँ और मैं उस प्रोग्राम दे जो इस प्रोग्राम रिकॉर्डिंग कर रहा सैंख रहा कि तरह लोग जोड़े ने ना सिर्फ पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज न पसंद करते हैं ना सिर्फ क्रिश्चियन पर मुस्लिम जे भैन भ्रा ने भी और उन्होंने बहुत अच्छी होप दिलाई है कि असी जेड़े हाँ असी रल के ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਸਫਰ ਹੈ ਅਮਨ ਦਾ ਸਫਰ ਹੈ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਫਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਆਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕਿ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੂੰ ਕਿ ਬੈਨ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਹਮ ਮੰਗੀ इस मुल्क में क्या दुनिया में एक अमन कायम करने के लिए नागजीर हो चुकी है और पीस जो है वो इस वक्त अहम तरी मसला है तो इस मसले को हल करने के लिए फ़िरका वरीत के ख़ात्मे के अशा जरूरत है वा तसम जमी मला तफफर्रा को खुदा अल्लाह तक की रस्सी को मज़बूती से थामो और तवर में मदद पढ़ो तो उसके लिए नेक नीति के साथ नेक नीति के साथ जितने भी मज़ाहब हैं वो बैरूनी एजेंडे को सेबूताज करते हुए क्रश करते हुए सबसे पहले पाकिस्तान के फार्मूले पर अमल करते हुए जब तक वन पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठे नहीं होंगे और हमें मुल्क में अमन कायम करके फिरका वरी ख़ात्मा कर करके लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करके देखिए जी हम सबसे पहले तो ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान प्यार मोहब्बत और अमन का देवारा है ये जो हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं इससे हमने अपने को बचाना है जो फिफ्थ से सिक्स जनरेशन वॉरफेयर की तरफ दुनिया जा रही है वो हमें लड़ाने के चक्कर में है आज आपने देखा कि सारे हम यहाँ बैठे हुए हैं और कोई किसी का आपस में कोई झगड़ा नहीं है और ना हम झगड़ा होने देंगे पाकिस्तान में अकलीत को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हकूक़ मिलने चाहिए जिससे पाकिस्तान में जो लेग पुलिंग होती है उसमें पाकिस्तान की जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो आगे आने का मौका है मैं डॉक्टर अरस फहीम इम्प्लीमेंटेशन मिनार्टी राइट्स और आल नेबर्स इंटरनेशनल का जनरल सेक्रेटरी होते हुए आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आप लोगों को इन्फ़ार्म करना चाहता हूं कि आज मुख्तलिफ शुबा हाय ज़िंदगी से हमारे पास लोग मौजूद थे और ख़ास तौर पर हमारे पास दो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर और हमारे मिनार्टी राइट्स के सीडल कमीशन के साकिब जलानी साहब थे जिन्होंने मिनार्टीज़ की इम्पोर्टेंस के ऊपर बहुत ख़ूबसूरती से इन चीज़ों के बारे में बताया और ये एक ईद मिलन गेट टुगेदर था हम अपने तमाम मुस्लिम भाइयों को ईद की खुशियाँ भी उनके साथ बराबर की शेयर की। और औरत ही खूबसूरत तरीके से इस प्रोग्राम को मनकद किया आज यहाँ पर आई एम आर एफ के तहत एक प्रोग्राम पल कॉन्टीनेंटल लाहौर में मुंतकिल किया गया क्रिस्टल हॉल में ये एक इंतहाई कामयाब तकरीब रही जिसमें तमाम मज़ाहिब और मसाल के अहम लोगों ने अकाबरीन नेमा ने और मतरक अशास ने शिरकत की इस प्रोग्राम में सामीन को बड़ी अच्छी बातें सुनने को मिली और इस प्रोग्राम का इनका सैमुअल प्यारा साहब ने किया हम पूरी कौम की जानिब से पूरी पाकिस्तानी नेशन की जानिब से सैमुअल प्यारा साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं सैमुअल प्यारा साहब ने मुझसे इस प्रोग्राम में जो कोऑर्डिनेशन ली उसका भी मैं शुक्रगुजार हूं और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इंतहाई कामयाब प्रोग्राम रहा इस तरह के प्रोग्राम पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को एक अच्छा तासर देंगे और पूरी दुनिया को ये पैगाम गया कि किस तरह पाकिस्तान में मुस्लिम हिंदू सिख मसीही आपस में मोहब्बत और भाईचारे के साथ रह रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर बैठते हैं प्यार मोहब्बत की बात करते हैं एक दूसरे के नज़रियात को तहमुल से सुनते हैं आपस में मुकालमा करते हैं एक दूसरे के मज़ाहब को समझते हैं और मज़ीद समझने की ख्वाहिश रखते हैं और मैं समझता हूँ कि ये आज का प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा संग मील है आज की इस अहम तकरीब में मैं मेरा चूँकि ताल्लुक़ तबलीगी जमात से है मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया के मुसलमानों में ये अमन का पैगाम देने की सलाहियत रखी है हम पूरी दुनिया के लिए सारी इंसानियत के लिए अमन चाहते हैं इस्लाम मजहबी अमन का मज़हब है और तबलीग जमात पूरी दुनिया में अमन का पैगाम लेकर दुनिया के कोने कोने में जा रही है हमारी ये चाहत है कि सारी दुनिया के इंसान कामयाब हो जाएं दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आख़रत की सारी मनाजिल सारे मरल में कामयाबियां हासिल करें और दुनिया आख़रत में कामयाब होकर हमेशा हमेशा की जन्नत में हम सब इकट्ठे रहें तो अल्लाह पाक हम सब को हमेशा की कामयाबियाँ फरमाए और किसी भी इंसान को नाकामी का सामना न करना पड़े ये हमारी चाहत है और तबरी जमात का पैगाम है हम सब के सब हमारे हम सब के सब हमारे हम रब के रब हमारे इस प्रोग्राम में जब मैं हाज़िर हुआ तो मैंने देखा कि वो इतने खलूस से बात की जा रही थी जो कि वाकई रियलिटी है हमारे माशरे की ख़ास पर व्यूमेन राइट्स को और इंटरफेय के तमाम जबरस्सी मज़हब की जो तब्दीली है उससे लेकर कम उम्र की शादियों के मामलत और जैसे होना चाहिए था वैसे हुआ है तो मुझे कलाम की वो बात याद आती है जो कि जिल मुक़दस और कुरान हदीस में मुशतरक की बुनियाद पर बात है कि ए बिन यादम में भूखा था आपने खाना नहीं खिलाया जो हम सबसे सवाल होगा और ए बिन आदम में प्यासा था आपने पानी नहीं पिलाया ए आदम मैं बगैर लिबास के था आपने लिबास नहीं पहनाए सेम अल्फाज के साथ कुरान हदीस में भी ये मेंशन है तो अल्लाह ताला में तौफीक दे कि हम जो है इसी हवाले से मोहब्बतें बांटते रहें और सैमुल प्यारा साहब की टीम और आई एम आर एफ़ की जो टीम है इसके साथ हम इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे और जब ये इस्लाबाद तशीफ लाएँगे तो मैं भी इनका वहाँ मेज़बान होगा इंशाल्लाह इन जिस तरह इन जियाँ की गल बात सुनी है कुछ गलियाँ ने जड़ियाँ जड़ा इस बैठक दे मेजबान सन जोड़े इस बैठक के आगू सन उन्होंने की गलबात है वो सुनिए जी सैमुल प्यारा साहब की तुम गुफ्तगु सुनो मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ कि इस प्रोग्राम में पूरा वेख रहे हो और सैमुल प्यारा साहब की भी गुफ्तु सुनो और रियास साहब की भी गुफ्तु सुनो क्योंकि ये लोग ने जिन्हों ने मुहब्बत प्यार और पूरी रवादारी के और पूरी मुहब्बत और पूरी अकलमंदी के जड़ा है इस ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ న్యూਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ Eid Milan Party ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿੰਦੇ ਚ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨ ਦੇ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵਾਜ਼ਿਹਾ ਤੌਰ ਤੇ तमाम ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਸਕਾਲਰਸ ਔਰ ਲਾ ਆਫੀਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਔਰ ਮਜ਼ਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਖੁਲਖਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਹਰ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਔਰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਵਰਜਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਲਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਐਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ 16 ਰੁਕਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 16 ਰੁਕਣੀ ਕਿੜਾ ਸਾਡਾ ਵਫਦ ਉਮੈਰਿਆ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਲਾਮਿਕ ਆਡਿਆਲੋਜੀ ਨੂੰ اور ਸਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ਾਵਰ ਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿੜੀ 31 ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਸਲਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਕੌਨਸਲ ਗਵਰਨਰਲ ਹਾਊਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ سلسلہ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਅਨਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ उन्होंने हल किया जाए और किया जाए मैं आप सबको को आल नेबर की तरफ़ से आज की इस ईद की पुरसरत मौके पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो ईद का मौक़ा है बहुत ही प्यारा खूबसूरत मौका है और हम ये चाहते हैं कि हम सब मिल के पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्रिश्चन मुस्लिम और हिंदू सब मिल के इस खुशी के मौके को एक दूसरे के साथ खुशियाँ बाँटें और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज हमारे बहुत ही प्यारे भाई सैम्यल साहब का सैम्यल प्यारा साहब का और उनकी पूरी टीम का कि जिन्होंने ये हमें मौका बख्शा कि हम यहाँ पर पाकिस्तान में लाहौर में पी सी होटल में इस ख़ुशी के मौके को अपने सारे मौलाना साबान के साथ पाकिस्तान की कम्यूनिटी क्यु, क्यु, के साथ मिल के इस ख़ुशी को बांट सकें मैं स्पेशल इस मौके के लिए इस खुशी के लिए सेलिब्रेशन के लिए अमेरिका से आया हूं और हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमने अमेरिका में भी इस ईद की खुशियों को मिशिगन में बांटा और हमने मेरी में ईद का प्रोग्राम किया और आज हम यहाँ पर लाहौर में इस सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम है कि हम ये चाहते हैं कि आल नेबर जो है वो पूरी दुनिया में इस मैसेज को आगे लेके सक, जा सके हम क्योंकि जीसस ने कहा है कि हमें जो है अपने पड़ोसी से अपने बराबर प्यार करना है तो हमारा ये मकसद है कि हम कोई भी हमारा पड़ोसी हो हम उससे प्यार करें और उसकी इज़्ज़त करें और उसके लिए हम खड़े हों ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इसकी एक्सरसाइज़ करें और पूरी दुनिया में अमन और सलामती को लेकर जाएं। हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के लिए अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए इमरान ख़ान साहब के लिए अपने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब के लिए उनकी सारी इन कोशिशों के लिए कि आज जो पाकिस्तान में हम ये जो आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं ये सब उन्हीं की वजह से है कि हमारे बहुत सारे बहादुरों ने हमारे बहुत सारे आर्मी के लोगों ने नेवी एयरफोर्स के लोगों ने अपनी जाने दी हैं और आज हम इस आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं आए हम सब मिलके पाकिस्तान के लिए दुआ करें और इसी तरह की खुशियाँ चाहे ईद की खुशियाँ हो क्रिसमस हो दिवाली हो हम सब मिल के इसको सेलिब्रेट करें साढ़े सारे, सारे जी ने उन्होंने बैठक जी है एक बड़ी महँगी बैठक से देखा है और ये बारे अपने ख्याल का इजहार जरूर करमेंट्स ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ رائے ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ رائے ਹੋਏ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਚ ਜਿੰਦਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰابطੇ ਚ ਰਹੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਲੀਅਰਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਚ ਯਾਰਾਂ ਚ ਬੇਲੀਆਂ ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਵਧਾਓ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਨੇ ਆ ਰੱਬ ਰੱਖਾ